गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो लाइव क्लास है वो है रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। सॉरी, आप लोगों ने पॉन नेटवर्किंग का नाम सुना होगा, पॉन या FTTX या FTTH का नाम सुना होगा, ईपॉन, जीपॉन, OLT, ONU या ONT, ठीक है। या मैं आज सभी टॉपिक के बारे में बात करूं, ये जो पूरे टॉपिक में आज आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूं वो फाइबर नेटवर्क के ऊपर है। यानी लास्ट क्लास में हमने आपको लैन नेटवर्किंग समझाया अच्छे से, मैन समझाया, वैन समझाया, लेकिन एक आपका फाइबर नेटवर्क रह गया था जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन फाइबर नेटवर्क समझने से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि FTTX क्या है या FTTH क्या है, ठीक है। अब कुछ लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है फाइबर में वो FTTH आई हुई है, ठीक है, या कुछ लोग सोचते हैं कि FTTX आई हुई है। तो इन चीज़ों को मैं इस क्लास में क्लियर कर दूंगा कि FTTX क्या होता है, FTTH क्या होता है, और पॉन नेटवर्किंग क्या होती है, ईपॉन, जीपॉन, एवरीथिंग, सब कुछ फाइबर नेटवर्क इस क्लास में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइबर नेटवर्क समझने से पहले हमें पिछले वाली नेटवर्किंग में चलते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे। कैसे? अब जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते थे किसी भी नेटवर्क में, आपको यदि याद हो, तो क्या होता था, हमारे पास मान लो कहीं से सर्विस आ रही है, कहीं से भी, ठीक है, वैन से सर्विस आ रही है, कहीं से भी मान लो ये सर्विस है, ठीक है। तो ये सर्विस हम अपने क्लाइंट तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी सर्विस आ रही है तो एक होता है कोर नेटवर्क। क्या होता है? कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क किसे बोलते हैं? कोर नेटवर्क होता है जहाँ पर कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोल रूम होता है, या जो भी ISP कंपनी होती है वो उसको मैनेज करती है, ठीक है। कंट्रोल रूम के बाद या कंट्रोल कोर नेट के बाद आता है XX नेटवर्क। कौन सा? XX नेटवर्क। XX नेटवर्क कौन सा होता है? जो यूज़र का होता है। किसका होता है? यानी XX नेटवर्क को यूज़र यूज करता है। एक्सेस नेटवर्क को कौन यूज़ करता है? यूज़र। यानी यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रोलिंग डिवाइस लगी हुई है कोर नेटवर्क में, आपको इससे मतलब नहीं होता, लेकिन जो यूज़र होता है वो किस प्रकार ISP से या सर्विस से जुड़ा हुआ है वो यूज़र डिसाइड करता है। अब यूज़र कैसे? जैसे आपके घर में केबल TV लगा हुआ था, आप वायर के द्वारा कनेक्टेड होंगे, आपने सेल फोन खरीद रखा है तो आप वायरलेस कनेक्टेड होंगे, या आपने और कोई DSL मॉडम ले रखा है तो आप वायर के द्वारा कनेक्ट होंगे, या आप फाइबर के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हो। अब जो कोर नेटवर्क होता है, कोर नेटवर्क होता है वो हमें तीन प्रकार की सर्विस दे रहा है वर्तमान समय में। कौन कौन सी? वायर, जो कॉपर वायर बेस होती है, ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड हो गई है, अब इसका यूज नहीं किया जाता। वायरलेस, वायरलेस टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, ठीक है, और कौन सी यूज करते हो? और फाइबर, ठीक है, फाइबर टेक्नोलॉजी यूज करते हो। जो वायर नेटवर्क थी या जो वायर सर्विस थी, इसमें आप क्या क्या यूज करते थे? इसमें आप टेलीफोन यूज करते थे, आपको याद हो टेलीफोन वायर द्वारा कनेक्टेड होते थे पहले ही, और आपका DISH TV जो घरों में अब तो वायरलेस कनेक्ट हो गई है, लेकिन पहले क्या होता था कि आप केबल ऑपरेटर से केबल लेते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आती थी इसमें, या आपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट करना था, UTP के द्वारा आप कनेक्ट करते थे, जो कि वायर नेटवर्क में आती है आपकी। यानी ये था आपका वायर नेटवर्क। फिर आ गया वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क में क्या था? वायरलेस नेटवर्क इससे थोड़ा बेटर था, इसमें जैसे आपका वाईफाई आ गया, ठीक है, वाईमैक्स आ गया, वाईमैक्स, या आप लोगों ने इसका तो नाम सुना होगा 3G का, 3G 4G का नाम सुना ही होगा। यानी ये थोड़ा इससे बेटर सर्विस देता है, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है वायर की, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। आजकल जो है टेलीफोन है वायर वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। फिर हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी आई, जिसको 3G 4G किसी भी नाम से आप जानते होंगे। तो ये बातें मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, हमने लैन नेटवर्किंग का पूरी कर दिया, वाईफाई भी हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, 3G 4G या आपका सेल फोन का टॉपिक है।
लेकिन अब टॉपिक रहता है फाइबर का, ठीक है। फाइबर नेटवर्क क्या होता है? फाइबर नेटवर्क जो होता है वो पोन नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है। किस नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है? PON, पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको FTTX और FTTH भी समझाना है मैंने। तो यहाँ पर फाइबर जो नेटवर्क था हमारा, फाइबर नेटवर्क जो होता है वो होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। देखो मैंने आपको ये चीज़ नहीं समझानी है, ये चीज़ सिर्फ मैं रिपीटेशन कर रहा था आप लोगों की, कि जो कोर नेटवर्क से हमारे पास सर्विस आती है तो या वो तो वायरलेस के द्वारा आ सकती है या वो वायर के द्वारा आ सकती है, लेकिन एक वायर और भी होती है, इसे हम कॉपर वायर भी बोल सकते हैं। कौन सी वायर बोल सकते हैं? इसे हम कॉपर वायर बोल सकते हैं। ये कॉपर वायर के थ्रू कनेक्टेड होती है, ये वायरलेस होती है, ये फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो वायर ये भी है, है तो वायर ये भी है, लेकिन इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पर फाइबर पे, ठीक है। तो मैं इसको मिटो रहा हूँ और फाइबर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोर नेटवर्क से हमारे पास जो है फाइबर नेटवर्क आ गया। तो फाइबर नेटवर्क जो है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक है पैसिव नेटवर्क और एक है एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क, यानी जो फाइबर में हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या फाइबर्स जो टेक्नोलॉजी है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी पैसिव और दूसरी होती है आपकी एक्टिव। पहले मैं आपको एक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्टिव, देखो मैंने बात तो पैसिव के बारे में करनी है, लेकिन एक्टिव के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। एक्टिव नेटवर्किंग एक ऐसी नेटवर्किंग होती है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बिजली की यानी पावर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी यहाँ पर जहाँ भी स्प्लिटर लगेगा, मीडिएटर लगेगा या डिवाइडर लगेगा या स्विच राउटर लगाओगे फाइबर में, एक्टिव में, तो वहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये पावर से के द्वारा एक्टिव होता है, इसलिए इसको एक्टिव नेटवर्किंग कहा जाता है। एक्टिव और ये दो पैसिव दो क्यों बनाए गए हैं? जो एक्टिव नेटवर्क होता है इसका डिस्टेंस जो होता है लॉन्ग होता है, लार्ज, यानी बड़े एरिया के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब आपका डिस्टेंस लंबा हो तो आपको एक्टिव नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा फाइबर केबल में भी। लेकिन अगर आपका नेटवर्क छोटा है या फाइबर केबल आपने एक सिटी में ऐसा कुछ एरिया में करनी है तो पैसिव, आपको पैसिव नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है। और पैसिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें पावर यूज ही नहीं होता जो आपका पैसिव नेटवर्क होता है। देखो मेन फर्क तो ये पड़ गया। अब हमने बात करनी थी FTTX और FTTH। इसमें तो एक्टिव नेटवर्क को हम किसी और क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, मैंने सिर्फ आपको अभी बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है और इसलिए इसको एक्टिव नेटवर्क बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव नेटवर्क की। पैसिव नेटवर्क जो होता है, पैसिव नेटवर्क में आपका एक ही ऑप्शन होता है, FTTX, ठीक है। लेकिन नाम तो आप लोगों ने अनेक सारे सुने होंगे कि FTTH भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। अब जो FTTX है, थोड़ा मैं गलत बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहाँ पर हमारे पास जो फाइबर नेटवर्क है उसे जो फाइबर नेटवर्क को ही FTTX बोला जाएगा। अब फाइबर FTTX के दो नेटवर्क होते हैं, एक्टिव, ठीक है। अब पैसिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन पैसिव से बारे में FTT आप लोगों ने तो नाम सुना होगा, FTTH होता है या FTTC होता है, FTTB होता है, FTTX फाइबर नेटवर्क को ही FTTX कहा जाता है। और FTTX दो प्रकार का होता है, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव को पावर की जरूरत होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और आपका यहाँ पर पैसिव को पावर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी मैंने आपको FTTS समझाना है। तो जो ये FTTX होता है, ये FTTC, FTTW और FTTH
और एक और होता है एफ टी टी बी एच डब्ल्यू, सॉरी बी एफ टी टी बी, और जो ये एफ टी टी एच होता है ना इसे हम एफ टी टी पी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो एफ टी टी एक्स होता है वो इनसे मिलकर बना हुआ होता है। अब ये होते क्या हैं, ठीक है। फाइबर, एफ टी टी की फुल फॉर्म है फाइबर टू द क्लाइंट, सॉरी फाइबर टू द कैबिनेट, फाइबर टू द कैबिनेट, यानी कैबिनेट को यहाँ से डायरेक्ट वायर जाती है। यानी जब आपका कोई मेन कंट्रोल यूनिट होता है जहाँ पर आपको, जहाँ से आपने अलग अलग क्लाइंट को वायर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसे हम कैबिनेट बोलते हैं। यानी जहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर से फाइबर सीधा कैबिनेट की तरफ, बॉक्स की तरफ जा रही है, तो उसे हम फाइबर एफ टी टी सी बोलते हैं, फाइबर टू द कैबिनेट। अब एफ टी टी डब्ल्यू, फाइबर टू वायरलेस, फाइबर टू वायरलेस का क्या मतलब है? अब ये फाइबर टू वायरलेस, यानी जब एफ टी टी से सर्विस, जब आपके मोबाइल टावर, इसका यूज मोबाइल टावर ही मैं एग्जांपल दे दे सकता हूँ, यदि मोबाइल टावर के पास आप ये सिग्नल लेके जा रहे हो तो वो बन जाएगा एफ टी टी डब्ल्यू। यानी उस सिग्नल को आप वायरलेस यूज करोगे तो एफ फाइबर टू द वायरलेस। अब एफ टी टी एच का मतलब क्या होता है? एफ टी टी एच का मतलब होता है, या फुल फॉर्म अगर आप इनकी पता होनी चाहिए, फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम। यानी अगर आपके घर में को एफ टी टी एच से जो नेटवर्किंग आपके घर तक आ रही है तो उसे बोलेंगे हम एफ टी टी एच, ठीक है। और एफ टी टी बी, एफ टी टी बी क्या होते हैं? अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अपार्टमेंट होते हैं उनमें एन सारे घर होते हैं, यानी बिल्डिंग बनी होती है, तो अगर आपकी फाइबर उस बिल्डिंग में जा रही है तो उसे बोलेंगे फाइबर टू द बिल्डिंग। यानी मेन जो होता है वो एफ टी टी एक्स ही होता है, ना कि एफ टी टी एच होता है। बस हम बोल देते हैं कि हमने एफ टी टी एच लगवाया हुआ है, क्योंकि आपके घर में जो सर्विस आ रही है वो एफ टी टी एच की हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ मतलब एफ टी टी एच से है, लेकिन जो मेन यूनिट होती है वो एफ टी टी एक्स होता है, एफ टी टी एच नहीं होता है, ठीक है। वो इसके डिवाइडेशन होते हैं अलग अलग। तो ये था मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि एफ टी टी सी क्या होता है, एफ टी टी डब्ल्यू, एफ टी टी एच और एफ टी टी बी, ठीक है, ये कम्बिनेशन होता है इनका। तो अब बात कर लेते हैं पैसिव रिएक्टिव भी, वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया आपको कि एफ टी टी एच, एफ टी टी डब्ल्यू, एफ टी टी सी कम्बिनेशन होता है एफ टी टी एक्स का, ठीक है। अब एक्टिनेटर तो बता दिया कि जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा या जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो पैसिव नेटवर्क होता है, तो आज की क्लास में पैसिव नेटवर्क मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, जिसमें ईपोन, जीपोन ये यूज़ होंगे आपके। अब जो पैसिव नेटवर्क होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है इसके अंदर। और ये जो होता है ये आपका एक्टिव एरिया से स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है। यानी जो एक्टिव नेटवर्क है वो तो लार्ज, लॉन्ग, लंबे लंबी दूरी के लिए, या इसका डिस्टेंस जो होता है लंबा होता है, इसका क्या होता है, इससे थोड़ा छोटा होता है। लेकिन पैसिव नेटवर्क में जो है हमारे पास चार प्रकार की टेक्नोलॉजी है, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, ए पॉन, बी पॉन, ए बी सी, सी तो नहीं है, सॉरी, ई पॉन और जी पॉन, ठीक है। अब ए पॉन एटीएम ऑप्टिकल पैसिव नेटवर्क इसको बोला जाता था, सबसे पहले इसका ही यूज़ किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, ये यूज़ नहीं होती है अब। तो फिर आप इसके बाद जो सबसे पहले जो वर्जन आया था वो ए पॉन ही आया था फाइबर में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें बैंडविड्थ आपकी कम पड़ जाती थी, अब जो है इसका नहीं यूज़ किया जाता। फिर बी पॉन का यूज़ किया गया, बी पॉन ब्रॉडबैंड पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क, ब्रॉडबैंड पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क, इसका भी यूज़ काफ़ी किया गया, लेकिन वर्तमान समय में इसका भी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये मल्टी कास्ट जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जिससे क्या होता था आपकी डाटा की स्पीड स्लो हो जाती थी। फिर इसका भी अभी यूज़ नहीं होता इतना। फिर ईपोन और जीपोन आए, दो वर्जन आए, ठीक है। ईपोन ज़्यादातर आउटसाइड कंट्री में यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पर जीपोन ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईपोन का यूज़ भी किया जाता है और जीपोन का यूज़ भी किया जाता है। अब ईपोन और जीपोन में क्या फ़र्क है? ईपोन अर्थनेट, ईथरनेट पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क, और जीपोन गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क।
इसमें और इसमें कुछ नहीं फर्क होता, बस स्पीड का फर्क होता है, ठीक है। अब इसकी स्पीड क्या होती है, ई पोन की, ई पोन की जो स्पीड होती है वो डाउनलोड और अपलोड, डाउनलोड और अपलोड सेम रहती है, यानी जो ये होगी वही ये होगी। लेकिन अगर जी पोन की बात करें तो जी पोन में जो डाउनलोड स्पीड होती है, डाउनलोड स्पीड होती है, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं कि डाउनलोड स्पीड है इसकी, इसकी डाउनलोड स्पीड मैंने लिखी थी कहीं पर, सॉरी हाँ मिल गई मुझे, 2.488, ये जी बी है, क्या है, जी बी पर सेकेंड, यानी 2 GB के आसपास ये डाउनलोड कर रहा है डाटा पर सेकेंड के हिसाब से। तो अपलोड स्पीड क्या होगी, अपलोड स्पीड क्या होगी इसकी, हाफ हो जाएगी, ठीक है, हाफ मतलब 1.244 GB पर सेकेंड, यानी इसमें सेम होगी। अगर मान लेते हैं कि इसकी डाउनलोड स्पीड जो है 1.244 GB है, तो अपलोड स्पीड भी यही होगी 1.244 GB। लेकिन इसकी क्या होगी, डाउनलोड डबल होती है और अपलोड थोड़ा कम होती है, मतलब उसकी हाफ होती है, लेकिन जीबी में होती है, बहुत हाई होती है, यानी इसके इक्विवेलेंट होती है अपलोड स्पीड, बस डाउनलोड स्पीड क्या होती है जी पोन की ज़्यादा होती है। अब ये तो चलो पता लग गया कि ई पोन और जी पोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें स्पीड का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। अर्थनेट पोन पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क और गीगाबिट पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क के नाम से इनको जाना जाता है। अब ये जोड़ी कैसे जाती हैं, ये कस्टमर तक कैसे जाती है सर्विस, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फाइबर नेटवर्क करने की या करनी पड़ जाती है या करने की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आपके पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए और आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको सर्विस लेनी पड़ेगी सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से आपने सर्विस ले ली, सर्विस लेने के बाद आपके पास जो है, यहाँ से आपने सर्विस ले ली, आपके पास होना चाहिए ओ एल टी जो होता है आपका, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ओएलटी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो ये पैसिव नेटवर्क होता है, कोई सा भी हो, ई पोन हो, जी पोन हो, ए पोन हो, कोई सा भी होता है, आपका पोन नेटवर्किंग होती है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको तीनों सर्विस मिल जाती हैं, इसमें आप टीवी भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें आप टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी टेलीफोन भी चलेगा इससे आपका, इंटरनेट भी चलेगा और टीवी भी चलेगा एक ही वायर से, और वो भी हाई स्पीड से, ठीक है। इसके बारे में सॉरी इसके बाद है आता आपका जो मैं अभी बता रहा था, अगर आपको फाइबर नेटवर्क करने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैसे जोड़ी जाएंगी, तो मैंने बताया कि पहले तो आपको सर्विस लेनी पड़ेगी किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से। तो सर्विस आपने ले ली, तो सर्विस लेने के बाद आपके पास होना चाहिए एक OLT OLT का मतलब होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। ये क्या होता है, ये कंट्रोल एंड पे लगेगा, कहाँ पर लगेगा, कंट्रोल एंड, जहाँ से आपकी कंट्रोलिंग होगी। अब OLT के बाद अब आपने कस्टमर के लिए लाइन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कस्टमर के लिए लाइन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब OLT में इतने पोर्ट नहीं होते हैं कि आप हर एक कस्टमर को अलग अलग पोर्ट यहीं से दे दो, यानी OLT लाइक एज ए हब, ठीक है। अगर आपको मैं बाय प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता, हब में आपने देखे होंगे मैनी मैनी पोर्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें फाइबर के पोर्ट होते हैं, ठीक है, फाइबर के पोर्ट होंगे। तो फाइबर मान लो आपने यहाँ पर एक फाइबर कनेक्ट कर दी, तो ये डायरेक्टली अगर एक कस्टमर को भी दे रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा कितने कस्टमर आप इसमें जोड़ सकते हो, अगर आप सिंगल सिंगल आप इससे जोड़ोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 20-25 आप कस्टमर इसके साथ जोड़ सकते हो, ज़्यादा इसके अंदर नहीं होते, लेकिन हमने तो ज़्यादा जोड़ने हैं तो इसके लिए स्प्लिटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक स्प्लिटर लग जाएगा, यानी यहाँ पर ये स्प्लिटर है मान लो, और यहाँ पर इसकी एक वायर लगेगी, ठीक है। स्प्लिटर आप कितने भी का ले सकते हो, 4 का 8 का 16 का 32 का, मतलब आप इसमें से 4 पोर्ट निकल रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 का हो गया,
ठीक है, यानी चार कस्टमर को जोड़ सकते हो, आठ को जोड़ सकते हो, 16 को जोड़ सकते हो, ऐसे होता है। अब इसी टेक्निकल नाम जो है इसका वो है ODN, ODN ODN, सप्लिटर का जो नाम होता है ODN, और ODN की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क OLT की। तो ये क्या होता है, ये कस्टमर एंड तक लेके जाता है वायर, अलग अलग वायर जाएंगी। तो जो कस्टमर होगा, जो यूज़र होगा, मान लो ये यूज़र 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इनके यहाँ पर कस्टमर एंड पे लगा होगा ONU या ONT, ONU या ONT, यानी यहाँ पर भी ONU, ONU या ONT भी लगता है, ठीक है, ONU, ठीक है। अब एक ये हो गया, और मान लो एक आपने यहाँ पर ODN लगा दिया, उसकी वायर यहाँ जोड़ दी। अब ये भी मान लो चार का है, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर ONU, ONT, ONU या ONT, ONU या ONT, ONU या ONT, ये लगेंगे, ठीक है। अब ये ONU क्या होता है या ONT क्या होता है, देखो क्या होता है, जब आप यानी आपके घर में जब ये सॉरी यहाँ पर आपके पास जब सर्विस आ जाएगी फाइबर की, तो उस फाइबर के जो सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए या डिजिटलाइजेशन बनाने के लिए आपके यहाँ पर ONU ONT लगाया जाता है। जिस प्रकार आपके घर में लैन नेटवर्किंग, जब मैंने आपको बताया था कि जब आप वैन नेटवर्किंग से जोड़ते हो या इंटरनेट की सर्विस जब आप लेते हो, तो राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। राउटर क्या होता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है सिग्नल को, वही काम आपका ONU करता है। यदि आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, लाइक एज ए राउटर, राउटर की तरह ही आपका ONU होता है, सेम टू सेम। उसमें भी एक ISP की वायर होगी, वो भी उसमें भी वायरलेस एंटीना होगा। लाइक एज अगर मैं आपको दिखाऊं भी कल को, तो आप यही कहोगे ये तो राउटर है, जबकि वो होगा ONU, ठीक है। ONU आपके अलग अलग टाइप के आते हैं, ऐसे ही ONT आपके अलग अलग टाइप के आते हैं। मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, लाइक एज ए राउटर, मतलब राउटर की तरह ही वर्क करेगा आपका ONT या ONU, ठीक है। बस डिफरेंस ये होगा, उसमें वैन वायर जो होगी वो ऑप्टिक नेटवर्क की होगी, उसमें लैन वायर से आप जो है सर्विस प्रोवाइडर से नहीं कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर आप अपनी ONT से अलग अलग कस्टमर को कनेक्शन दे सकते हो, अलग अलग अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ONT लग गया, ठीक है, ONT आपने लगा दिया, ONU आपने लगा दिया। अब उसके बाद वो लैन वायर से जितने मर्जी कंप्यूटर जोड़े, वो उसकी हेडेक है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि सर्विस प्रोवाइडर से आपके घर तक सर्विस कैसे आती है। सर्विस प्रोवाइडर यानी जो सर्विस प्रोवाइडर, मान लो मैंने सर्विस ले रखी है सर्विस प्रोवाइडर से, तो मेरे पास ONT होगा। ONT एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब एक ONT के साथ 2, 4, 10 कितने भी सप्लिटर हम लगा सकते हैं, और एक सप्लिटर जो है 4 का 8 का हो सकता है, यानी एक एक सप्लिटर से हम अलग अलग कनेक्शन दे सकते हैं। अब सप्लिटर के बाद जो कस्टमर एंड पे, यानी जहाँ क्लाइंट के घर में, ठीक है, क्लाइंट के घर में क्या लगेगा या यूज़र के घर में क्या लगेगा, ONU लगेगा या ONT लगेगा, ठीक है। जिस प्रकार DSL और ADSL राउटर होते हैं, ठीक उसी प्रकार ONU और ONT होते हैं। आने वाली क्लास में ONU या ONT पे ही लगाऊंगा। तो यहाँ पर आपका कस्टमर एंड पे ONU या ONT आप लगा सकते हो, ठीक है। आप अपने ONT से कितने स्प्लिटर लगा रहे हो, जितने स्प्लिटर लगा रहे हो उतने ही आप अपने कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं कि एक ONT से कितने यूज़र हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्लिटर, तो मैक्सिमम 500 हम जो है 500 तक हम एक ONT से कस्टमर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के बारे में, यानी PON नेटवर्क जो मैंने बताया आपको, PON, ठीक है, पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है, जिसमें मैंने आपको EPON और GPON बताया, क्योंकि वर्तमान समय में यही चले हुए हैं हमारे, ठीक है। और जो PON नेटवर्किंग होती है, इसमें जो सर्विस होती है वो किसकी होती है, FTTX की होती है, ठीक है। लेकिन हमारे घर तक यानी यहाँ पर कस्टमर तक जो सर्विस आती है उसे हम बोलते हैं FTTH, फाइबर टू द होम, ठीक है, FTTH फाइबर टू द होम। तो आज की क्लास में इतना ही,
और मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।